सलाम नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अलीशा टीवी। मैं हूं शहजाद। और मैं हूं अलीशा। और आज हम हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे एक गाना रिव्यू करने वाले हैं। ये गाना एक मोस्ट अवेटेड मूवी का गाना है, जिसका नाम है पुष्पा पुष्पा फ्रॉम पुष्पा पुष्पा। एक्चुअली मूवी का नाम है पुष्पा टू, तो पुष्पा पुष्पा या पुष्पा टू ही बात है, राइट। तो ये हमारे आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन की मूवी है। हम लोग सब ने देखा था इनका फर्स्ट पार्ट, बहुत ही धमाकेदार था वो मूवी। ट्रू, फास्ट फासिल और अल्लू अर्जुन का जो एक्शन देखा हमने इस फिल्म के अंदर, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। इसके पार्ट टू का ट्रेलर हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं हमारे चैनल पे, जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर देख लीजिए। ये जो गाना है पुष्पा पुष्पा, ये हिंदी में हम रिव्यू करने वाले हैं। तो ये गाया है मीका सिंह ने और नकाश अजीज ने, और ये म्यूजिक आया है टी सीरीज पे। इस मूवी में हम रश्मिका को दोबारा देखेंगे अल्लू अर्जुन के साथ। सैड होके बोल रहे बिकॉज हम सब ने रश्मिका को एनिमल में देखा था, और फिर हमने सोचा था कि हमने रश्मिका को एनिमल में क्यों देखा। नहीं, आई मीन देखो, शी इज अ गुड एक्ट्रेस। अगर देखने जाओ तो शी इज अ गुड एक्ट्रेस। नहीं, तुम सही कह रहे हो। हमने ये मीम्स इतने देखे हैं इनके, वो दांत दबा कर डायलॉग बोलने वाले, जो डायलॉग किसी को समझ नहीं आया। बट चलो, एनिमल तो संभाल ली रणबीर कपूर ने, और ये भी संभाल ही लेंगे हमारे अल्लू अर्जुन। एग्जैक्टली। बट रश्मिका का डांस इज अमेजिंग, ये तो इस बात पे तो तुम अग्री कर सकते हो। आई अग्री, शी डिजर्व्स इट। मैंने रश्मिका का फर्स्ट टाइम डांस देखा था वड़ीसू मूवी के अंदर, जिसमें वो विजय टेलीपति के साथ डांस कर रही थी, और बहुत ही अच्छा डांस किया था उन्होंने। उनके स्टेप्स लाइक एक्चुअली में विजय टेलीपति से ज्यादा बेटर थे। एग्जैक्टली। हां, जब हिंदी सिनेमा की बात आती है तो वहाँ थोड़ा सा उनका एक्सेंट अभी भी थोड़ा सदर्न साउथ इंडियन एक्सेंट है उनका, राइट। तो उसकी वजह से शी कैन नॉट कम अप टू दैट प्रॉपर बॉलीवुड वेस्टर्न कल्चर। चलो, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ। अदर देन दैट, मुझे उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है। डायलॉग डिलीवरी में आई कैन से कि थोड़ा सा पीछे है, बट उनकी एक्टिंग अच्छी है, उनका डांस अच्छा है। पुष्पा वन में एक्चुअली रश्मिका हमें अच्छी लगी थी, बिकॉज डायलॉग उनके खुद के नहीं थे, उनकी डबिंग किसी और ने की थी। हमने हिंदी में देखी थी इसलिए। Yes, तो as far as कोई और उनकी डबिंग कर रहा है, she's good। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन दबाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग यार, सब्सक्राइब कर दो, कर दो भाई। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दो, हमारे लिए नहीं अल्लू अर्जुन के लिए कर दो। यस, चलें तो डाइव इन करते हैं आज की वीडियो में, बाकी की बातें गाने के बाद करें। पुष्पा 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 गॉट दैट वाइब। पुष्पा 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 पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले, तू कांधे को उठा के चले बड़े आसमां से दो गुना ऊंचा तेरा कद है, इतनी गहराई तेरे सागर की क्या हद है। स्टेप देख रहे हो? Yes। इस पे काफी इंस्टाग्राम पर रील्स बन रही हैं। अब इस स्टेप पे चलना, एक बार फिर चलना। अच्छा, ये वो हाथ हुआ, मैं ब्रांड हूँ। ओके। लास्ट पार्ट से आया है वो। अपने हाथ पे गोली मारता है उसके बाद, राइट? ग्राफिक्स काफी अच्छे दिए इन्होंने इस मूवी में। बेसिकली उसी को हाथ के बंदे को ही किया ना, ब्रांड को हाईलाइट किया। आई वाज होपिंग इसकी ऑफिशियल वीडियो आ गई हो। काबिल पुष्पा है लेकिन पुष्पा क्यों वो ना जाने। ओके। सब पुष्पा में है मदर, कुछ चीजें उसमें नहीं है। प्रणाम महादेव को
लाइन पे रुक रहे बोला नाइस इंस्पिरेशन तो खैर साउथ की है The main theme. This is the theme from Pushpa 1, right? ये सब scenes भी वहीं के हैं ऊपर. लाल चंद लेंगे. खैर वो तो पूरी फिल्म उसी पे बेस्ड है. ऊपर पांव को रखे और बैठे. इसने. वो जो हाथ के ऊपर हाथ रखने वाला भी करते हैं. लिरिक्स अच्छे लिखे हैं सी शर्ट में भी है ओके ये चाय वाला शर्ट ओके मैन दैट्स ऑसम और चाय ग्रीन ही है चाय में बिस्किट वो केगा नहीं साला Alright, बहुत ही like हमने actually में ये lyrical video है इसमें ज़्यादातर जो scenes थे वो actual गाने के नहीं थे हाँ but कुछ scenes जो दिखे हैं अल्लू अर्जुन का जो dance step दिखा है इसके अंदर भाई बहुत ही amazing काम किया है और हमेशा अल्लू अर्जुन है exactly हाँ alright he deserves it अल्लू अर्जुन का action dance acting expression emotion मतलब he's a All in one package. उनके expressions तो like you know दुनिया से अलग है Part 1 में जब मैंने actually ये फिल्म देखी थी तो at first तो मुझे मैं अल्लू अर्जुन को पहचान ही नहीं पाया कि ये अल्लू अर्जुन है क्योंकि हमने इससे पहले जितने भी इनकी फिल्में देखी है कॉमेडी देखी है yes, comedy देखी और प्लस वो क्लीन शेव वाले यू नो एक अच्छे बच्चे की तरह स्क्रीन पर आते थे हमेशा और इसके अंदर जब वो आए तो वो एकदम राउडी लुक लेके बाल कर्ली दिखे हुए गंदे एकदम रफ दाढ़ी उनकी अजीब थी लुंगी उठा के चल रहे हैं बहुत जगह यू नो तो एक अलग ही लुक मिला हमें अल्लू अर्जुन का स्पेशली जब हमने एक्चुअली इनकी हिंदी मूवी देखी थी पार्ट वन की और हमें बहुत अर्से के बाद पता चला कि इनकी जो डबिंग थी वो श्रेयस तलपड़े ने की थी तो दैट वाज लाइक इट वाज शॉकिंग यस आई वाज अमेज्ड कि यार श्रेयस तलपड़े ने नेक्स्ट लेवल उनके जो जब एक्टर्स एक्टिंग करते हैं तो इनके एक एक्सप्रेशन हो तो वो अपने डायलॉग अपने एक्सप्रेशन में रह के बोल लेकिन जब कोई उनकी डबिंग करता है तो ही हैज टू ग्रेस्प वो एक्सप्रेशन पकड़ के यू नो वो गुस्सा वो एटीट्यूड होना चाहिए आवाज में आवाज में डबिंग तो कोई भी कर सकता है बट उसके अंदर वो सेम एक्सप्रेशन और इमोशन लाना बहुत डिफिकल्ट है बहुत बड़ी बात इस गाने में जो उन्होंने स्टेप किया है वो एक पैर उठा के यू नो ऐसे करके चाय वाला स्टेप दैट वाज द बेस्ट स्टेप ऑफ द सॉन्ग मैन आई मीन इट इज नेक्स्ट लेवल पता नहीं उनके हाथ पे चाय कितनी बार गिरी होगी यस पता नहीं कितने रिटेक्स हुए होंगे वो पैर के स्टेप में वो कितनी बार गिरे होंगे उनके पीछे डांस कितनी बार गिरे होंगे कितनी बार रिटेक हुए होंगे yes. अब मुझे इस गाने का मेकिंग देखना है लिटरली मुझे देखना है बिकॉज आई वॉन्ट टू नो के क्या स्ट्रगल्स हुई है उनकी ये गाना बनाने के पीछे इस सीरीज ने कल परसों एक पोस्ट डाला है अपने YouTube चैनल पर सेइंग के 50-55 डेज कुछ या अराउंड 50 डेज तो गो तो इंशाल्लाह हम लोग जो है ये 6 दिसंबर को ये मूवी थिएटर्स में देखने वाले हैं ये गाना थिएटर में देखने में और प्लस अल्लू अर्जुन के इस पे जो डांस मूव्स हैं ये सब थिएटर में देखने में एक नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है जहां तक दिखा रहे हैं कि ये गाने में सिर्फ उनकी वीडियो नहीं है सॉन्ग पूरा डांस वगैरह नहीं है आई थिंक ये या तो स्टार्ट में होगा या तो एंड में होगा And I don't want to miss either the start or the end of the movie. Yes, क्योंकि इसके part one के गाने भी बहुत outstanding थे। जब वो लाल चंदन की लकड़ी लेने जाते हैं और first time police वाला exactly हाँ. not fast passes जो first inspector था। होता है। उस वक्त एक गाना आया था जो एकदम rowdy आवाज में और sound के adlibs के साथ बना था। हाँ. वो गाना भी like you know wrong take खड़े कर देने वाला हाँ. था। हाँ. Exactly. बकड़ा कटेगा समथिंग लाइक दैट गाने का नाम मुझे याद नहीं लेकिन वो गाना भी बहुत आउटस्टैंडिंग था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके सिर्फ दो गाने आए हैं जी एक तो रोमांटिक गाना है और वो स्टूडियो मेकिंग वाला वीडियो हाँ, है उसकी भी ऑफिशियल वीडियो नहीं है उसकी मेकिंग की वीडियो है तो वो गाना भी हम रिव्यू करेंगे हमारे अगले वीडियो में इंशाल्लाह तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट तो आई गेस दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये गाना अच्छा लगा है तो मेक श्योर ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बाय